नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेंसुरेशन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मेंसुरेशन में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं, और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं मेंसुरेशन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है, कह रहा है, एक समत्रबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेंसुरेशन में पहले आपको बता दूं दोस्तों, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप सॉल्व उसे करना चाहते हैं तो आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन फार्मूला बेस ही होते हैं। फार्मूला याद रहेगा तभी आप करेंगे, और इसका फार्मूला भी मैं, आप कहेंगे तो दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं सारे मेंसुरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समत्रबाहु, समत्रबाहु कहे या समबाहु कहे, बात एक ही है, ठीक है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो देखिए, पहले देखिए समत्रबाहु यानी समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ये तीन भुजाएं हो गई, तीनों भुजाएं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो ये समत्रबाहु होता है, या कह लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है ये। और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दिया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गया, और पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहां पे क्या रखना पड़ेगा, फार्मूला रखना पड़ेगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको वही चीज रख देना है। देखिए, रूट 3/4 है तो इसे हम रूट 3/4 लिख लेंगे। भुजा जो है दोस्तों, ये क्या दिया है, भुजा की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6×6=36, ठीक है। अब ये 4 से 36 कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9√3 वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9√3 वर्ग सेमी उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 9√3। अब देखिए 9√3 वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, एक गाय को एक 14 मीटर रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन को समझिएगा, अब क्वेश्चन मैं समझाता हूं, अच्छे समझिए। देखिए, एक 14 मीटर की रस्सी है दोस्तों, यहां से समझ लीजिए, यहां पे खूंटा है और यहां पे क्या है दोस्तों, 14 मीटर की ये रस्सी है। कितने मीटर की है दोस्तों, 14 मीटर की लंबी रस्सी है, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, एक गाय समझ लीजिए बंधी हुई है, तो कह रहा है कि ये गाय कितनी दूर घास चर सकती है, यानी कितने क्षेत्र में घास चर सकती है। तो ये जितने लंबी दोस्तों रस्सी है, इसी को समझ लीजिए, इसी के अंदर, यानी कि ऐसे वृत्ताकार मार्ग पे ये चलेगी लंबाई तक, और उसके अंदर तक की घास से पूरा चरेगी, बस इतना ही दूरी तक चर सकती है, इससे बाहर ये नहीं चर सकती है। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना। बस अब करना क्या है दोस्तों, देखिएगा, अब यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, क्या किया जाता है हमें, हम करेंगे क्या, इसका वृत्त का बस क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पे भी क्या करेंगे दोस्तों, गाय द्वारा चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। आर मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या, यानी कि यही जो त्रिज्या है ना, यहां से यहां तक की दूरी, ये जो 14 मीटर है ना दोस्तों, 14 मीटर यही त्रिज्या है, यही इसी को कहते हैं
त्रिज्या, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 होता है, तो यहाँ पे पाई की जगह लिख देंगे 22/7 और आर की जगह 14, 14 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 196, यानी कि 196 हो जाएगा, ठीक है 196। अब क्या करिए दोस्तों, आप कटा लीजिए ये 7 × 7 और 7 × 8 = 56 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 7 × 7 यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ देखिएगा 7 × 2 = 14 क्या होगा दोस्तों, 7 × 2 = 14 और उसके बाद से दोस्तों यहाँ बचा 5 × 6 = 7 × 56, यानी कि कितने बार में गया दोस्तों 28 टाइम में ये कट गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 28 × 22 तो 28 × 2 = दोस्तों क्या होता है, 28 × 2 = दोस्तों हो जाएगा 56 × 6 = 5, फिर 28 × 56 = 5 = 61, यानी कि ये कितनी दूरी दोस्तों तय चरेगी, 616 वर्ग मीटर की दूरी ये चरेगी। 616 वर्ग मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों क्या बदलेगा अगर जो प्रश्न ऐसे आएगा, तो ये जो 14 मीटर दिया है यहां 27 मीटर हो सकता है, 28 मीटर हो सकता है, 30 मीटर हो सकता है, 40 मीटर होता है, बस रस्सी की लंबाई घटे बढ़ेगी, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। तो करेंगे क्या दोस्तों इसके लिए, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं है, तो समझाने के लिए इतना फिगर बनाया हूं दोस्तों, लेकिन बस आपको करना क्या है दोस्तों, वृत्त का फार्मूला यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला रख देना है पाई आर स्क्वायर, और पाई की मान आपको पता ही है, और यहां पर जो रस्सी की लंबाई रहती है उसी का क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर करके गुणा करके आप छोटा करके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 616 वर्ग मीटर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिले, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इसको आपको लेना कहां से दोस्तों, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप दोस्तों इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या होती है, तो पंचम पब्लिशर का यहां पर कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों कराता हूं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, और डेली दोस्तों आपको मैं वीडियो देता हूं 8 PM पे। कितने बजे दोस्तों, 8 PM पे, यानी कि शाम आठ बजे दोस्तों आप डेली वीडियो को देखा करिए, अगर जो नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन 8 PM पे आप टाइम अपना निश्चित करिए एक, और डेली दोस्तों मेरी वीडियो बहुत छोटी होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती, 15-20 मिनट की होती है या 15 मिनट से कम ही की होती है, ठीक है। तो अगर जो इतना दोस्तों डेली आप टाइम देते हैं एसएससी मेकर चैनल पे दोस्तों, तो आप कोई सा भी एग्जाम देंगे दोस्तों तो आप उसे क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि जो सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को कराता हूं, तो डेली दोस्तों आप देखा करिए। चलिए अब देखिएगा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहे हैं 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार मार्ग, देखिएगा सॉरी एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द, देखिए पार्क के गिर्द चलता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द है, यानी कहने का मतलब उसके गोलाई में, जैसे देखिए कहने का मतलब ये क्या है दोस्तों, ये चीज है एक वृत्ताकार ये पार्क है, ठीक है, और 7 मीटर चौड़ा ये क्या है दोस्तों, एक रास्ता है इसी पार्क के गिर्द चलता है, मतलब बाहर से ये एक रास्ता चलता है, ठीक है, और पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये दोस्तों पार्क का जो ये चीज है, पार्क का ये जो त्रिज्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, ये जो दोस्तों पार्क है इसकी त्रिज्या क्या दिया है, 18 मीटर दिया है, और रास्ता कितना मीटर चौड़ा है दोस्तों, रास्ता भी 7 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर दोस्तों चौड़ा है रास्ता, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये चीज क्लियर हो गया, फिगर क्लियर हो गया, फिगर एक बार और समझाता हूं, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल है, पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिएगा ये दोस्तों क्या है, एक पार्क है दोस्तों, ये देखिएगा ध्यान से दीजिएगा, और इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, 18
मीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, 18 मीटर है। और इसी के गिर्द, इर्द गिर्द कहने का मतलब है चारों तरफ से एक रास्ता चल रहा है। और इसकी इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई क्या है, 7 मीटर है। कितना है, रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों, 7 मीटर है इसकी चौड़ाई। अब देखिए, और पूछ कह रहा है दोस्तों पथ का क्षेत्रफल, यानी कि जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है तो क्या करना चाहिए, ये भी है क्या, एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार ही है ना ये चीज, पार्क कह रहा है और रास्ता भी क्या है, वृत्ताकार है। तो देखिए पार्क सहित दोस्तों रास्ते का, यहां कहने का मतलब है देखिएगा, यहां पर दोस्तों पार्क सहित, देखिए पथ सहित यानी रास्ते सहित क्या करेंगे दोस्तों, पार्क क्षेत्रफल लाएंगे। देखें यहां पे पार्क सहित रास्ते समझ लीजिए, या कह लीजिए रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि 18 ए है, 7 ए है, टोटल यहां से यहां की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 25 मीटर हो जाएगी। यह चीज क्लियर हो गया दोस्तों। हम क्या करेंगे दोस्तों, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। यह चीज आपको क्लियर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई अब क्या हो जाएगा इनटू 25, इसका क्षेत्र यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा ना, रास्ते सहित पार्क का, तो पाई इंटू 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते सहित देखिएगा, रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से हम सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते यानी कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई इंटू 18 का स्क्वायर। यह चीज क्लियर हो गया, पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से, यानी कि कह लीजिए पथ सहित पार्क के क्षेत्रफल में से दोस्तों हम क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखिए घटा के आपको दिखाते हैं कैसे। तो पथ का क्षेत्रफल लाना है, यानी कहने का मतलब है रास्ते का क्षेत्रफल लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पाई जो 25 का आपका स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, पाई इंटू 25 का स्क्वायर, ये क्या हो गया दोस्तों, रास्ते सहित आपका पार्क का क्षेत्रफल। और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, ये वाला देखिएगा, माइनस कर देते हैं ये वाला, यानी कि ये जो क्या है, ये क्या है, ये पार्क का क्षेत्रफल है, इसे आपको घटाना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो गया। और फिर ये 25 का, देखिएगा 25 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 625, 25 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 625, और माइनस 18 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 324। ये चीज क्लियर हो गया, दोनों तरफ से पाई कॉमन हो गया, तो 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, यही चीज तो बचा, बस ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, पाई पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा 22/7 होता है, क्या होता है, 22/7, ठीक है। अब 625 में से 324 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 301 बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, 301। बस इसी को कटा लीजिए, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अब कटाइए दोस्तों, क्या होगा, 7 चौक 28 होता है और 7 त्रिक 21 यानी कि 43, 22 × 43, 43 दुना के क्या होगा दोस्तों, 43 दुना का हो जाएगा 86, यानी 86 × 6 = 8, फिर 43 दुना क्या हो जाएगा, 86 × 6 = 94, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 94, यानी कि 946 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, उस पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा 946 मीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो, अगर जो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो देखिए ये पार्क रहा और इसके इर्द गिर्द ये क्या रहा, रास्ता रहा, तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, टोटल के क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आ जाएगा। और रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया, 946 मीटर स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल का इस पर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला लगाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेंसुरेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले क्या करिए दोस्तों, आप फार्मूला को भी याद करिए, ठीक है। फार्मूले कहां मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप दोस्तों मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जहाँ दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के जब सारी चैप्टर वहाँ समाप्त हो जाएंगे, दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे और भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आया, दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बनाओगे यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बनाओगे यहाँ पर प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।